मोहन नहीं आए गाड़ी है गई प्रतापले मोहन नहीं आए गाड़ी गाड़ी है गई प्रतापले मोहन नहीं आए गाड़ी है गई दोनों हाथों को ताली बजाते हुए जय हो। देखो ताली तो बजा रही हूँ लेकिन ऐसे बजा रहे हैं सब लोग जैसे कर रोटी नहीं खाई है, लेकिन दमदारी से बजाओ। परमात्मा के कीर्तन में दमदारी तुम दिखाओगे ना तो परमात्मा फिर तुम्हारो अटको वो काम होगा, पाव बनाएगा दमदारी से। और दोनों हाथों को भाव के साथ जिनको सुनकर हाथ दिए एक बार दोनों हाथ उठे करें भाव के साथ जय हो। अरे अपने काना को नंबर लगायो, अपने काना को नंबर लगायो, अपने काना को नंबर लगायो, अपने काना को नंबर लगायो। जब नंबर लगायो कन्हैया को तब कहा भयो मालूम है नंबर है गो आई किया फेल मोहन नहीं आए गाड़ी है गई बनले मोहन नहीं आए गाड़ी। श्री राधे फेल है वो ना फिर अरे अपने काना को मैसेज भेजो, अपने काना को मैसेज भेजो, अपने काना को मैसेज भेजो। और जब मैसेज भेजो और तो लो टावर को उड़ी गयो भेस मोहन
अपने काना को चिट्ठिया भेजी, अपने काना को चिट्ठिया भेजी, अपने काना को चिट्ठिया भेजी। और जब चिट्ठिया भेजी ना तो का भयो परिचय दी, और तुम्हे गोटा पिया लेट मोहन नहीं आई, तोलो है गोटा गाड़ी है गई वृंदावन लेट मोहन नहीं आई, गाड़ी है गई वृंदावन लेट मोहन नहीं आए, गाड़ी बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सुनीति और बोली हाथ जोड़ के बहन, मैं तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करती रहूंगी। लेकिन तुम्हारी एक भी बात में कोई डालूंगी नहीं, लेकिन सुरुचि बोली नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखो महाराज, या तो इस घर में ही रहेगी या फिर मैं रहूंगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, क्या महाराज कौ तरीका से मैंने जब अपना संतान अपनी बच्चा कर जा दे दिया ना, तुझे समझ लियो कौ दिन कर लो दवाई को मारती थी, इसको घर से बाहर निकाल दो, कहां रहेगी। आज मैया सुनीति की आंखों में आंसू बहने लगे, रोने लगी बेचारी, जिसके ऊपर शुरुआत से दुखों के पहाड़ टूटे हो, जिसने दुख देखा है, और अब वो मिले सब दगा करने वाले ही मिले, सब परेशान करने वाले मिले, बचपन से दुखी अब तक दुखी दुखी। और मैया सुनीति के बारे में आसुरचि बोली कि यहाँ नहीं रहेगी, कहाँ रहेगी। घर से बाहर एक कारावास बनवाओ और उसमें इस मेरी सौत को ले जाकर के छोड़ दो। और सुनो महाराज, बोली है सुरचि, अरे ता मैं सो
कितना काम करवा दो, नहीं तो इस टोला को वापस पहुंचा दो मेरे पिता के यहाँ। और बोली है सुरची महाराज उत्तानपाद से सुनीति के बारे में, ऐसा ही नहीं। महाराज इतना काम करते हो और ना तो अरे एक से रजकुआ तो जावे और ये कोई घड़ा पानी तो जावे। एक से आटा जाएगा और एक ही घड़ा पानी का, अरे एक कोई घड़ा पानी को जावे तारने सौ दिल गुजर चलावे। इतना अगर कुछ जाता है तो जहां में मेरी सौत बैठ के गुजर चला मैं तो सही है, ना तो कोई बात नहीं। आज हाथ जोड़ करके सुनी थी बोली कोई बात ना है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आज महारानी सुनी थी जेल में तो जा रही है, लेकिन जाने से पहले महाराज उत्तानपाद से बोली, महाराज अब मैं तो जा रही हूँ लेकिन जा तो रही हूँ जो मेरी सौत इस भवन में जो आ चुकी है, ऐसा मत करियो कि जाके चक्कर में से प्रजा को इतना दुख दे। आज आंखों में आंसू भरती हुई बोली है मैया सुनीति, क्या लेकिन मुझे भूल मत जाना। और महारानी सुनीति बोली जेल में चली
ऐसा ही नहीं चाकन चली बड़ी महारानी भूपक ने न धर